मुझे लगता है कि प्रोफेसर स्वागत राय जी के पास शायद काम की बहुत कमी है, इसीलिए बहुत ही कोई भी सुपरफ्लूअस ऑब्जेक्शन लाना इनके पास मजबूरी है, काम नहीं होगा। आप अपनी पार्टी से भी निवेदन करें ज़्यादा काम लाए। मैं विषय पे आता हूँ। रेलवेज एक्ट 2024 रेलवेज अमेंडमेंट एक्ट, इसको विरोध करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस्ड वंदे भारत ट्रेन, गुड, दे टेक यू फास्ट। ये हाथ मत दिखाइए, व्हेन आई अपोज समथिंग आई कैन ब्रिंग ऑल द पॉइंट्स। आपका ये रेलवे बोर्ड, ये फेल टू कंट्रोल एक्सीडेंट्स। आप इसको ज्यादा पावर देने से क्या होगा? माननीय मंत्री जी, श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मैडम, अभी मुझे लगता है कि प्रोफेसर स्वागत राय जी के पास शायद काम की बहुत कमी है, इसीलिए कोई भी सुपरफ्लूअस ऑब्जेक्शन लाना इनके पास मजबूरी है, काम नहीं होगा। आप अपनी पार्टी से भी निवेदन करें ज़्यादा काम लाएं। मैं विषय पे आता हूँ, इस बिल की ज़रूरत क्यों है? माननीय अध्यक्षा जी, जैसे आप सब जानते हैं, रेलवे जब भारत में इंट्रोड्यूस हुई तब PWD की एक शाखा थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक शाखा थी। इसमें एक रेलवे ब्रांच के नाम से अलग से इसका डेवलपमेंट चालू हुआ, और जब रेलवे का विस्तार बढ़ा तो ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें एक अलग तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। इसीलिए 1905 में जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और दूसरी कई संस्थाएं जिन्होंने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया, तो एक रेलवे बोर्ड की व्यवस्था आई। और रेलवे बोर्ड की व्यवस्था तब एक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आके एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के माध्यम से आई। और इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि बाकी सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में रेलवे एक अलग तरह का डिपार्टमेंट है, ये एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। और दूसरा, इसमें नेटवर्क इफ़ेक्ट होता है कि अगर तीन अलग अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो जैसे मान लो आज भी कई बार ये प्रश्न आता है, माननीय सांसद महोदय भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सामान मान लो एक जगह से चढ़ा रेलवे में और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो रेवेन्यू जो भी सामान चढ़ा रहा है वो तो सारा का सारा अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे देता है, लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए उन रेलवे सिस्टम की भी ज़रूरत होती, तभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है। फिर सेम डायमेंशन होने चाहिए, सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाई होना चाहिए। ये सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था। और जब 1989 में जब नया कानून आया, इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके 1989 का एक्ट लाए, उसमें एक ये कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देने का जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए थे। एक उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए से लिंक रखा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, लेकिन ये एक कमी थी जिस कमी को ये बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे रेलवे बोर्ड के कंप्लीट पावर्स एनहांस होंगे और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी।